गुजारिश है अपना चेहरे से। गाइज अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाजी अली आने के लिए कौन सा आसान वे होगा। अगर आप हाजी अली आना चाहते हैं, विश्व के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां पे सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर मन्नत मांगते हैं प्रेम भाव से, और वो मन्नत धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। दोस्तों आज हम आ गए हैं हाजी अली दरगाह, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो आप मन्नतें मांगते हैं वो पूरा होता है। 500 गज दूरी पे है ये, और ये समुद्र के बीचों बीच दरगाह है। ये पूरा इसका वर्ग मीटर 4500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे हाजी अली दरगाह, पूरा घुमाएंगे, अंदर के तरफ ले जाएंगे और हाजी अली दरगाह आपको दिखाएंगे क्या खूबसूरत अंदर से नज़ारा। साथ अब हमारे जहीर खान है। हाजी अली के उस मार्ग पे हम बैठे हुए हैं जो सीमेंटेड मार्ग है, और सिर्फ ये एक ऐसा मार्ग है जिससे कि आप हाजी अली जा सकते हैं। उसी मार्ग पे हम बैठे हुए हैं और सामने समंदर है। इसी समंदर का पानी इतना जब बढ़ने लगता है, हाई टाइड होता है, तो ये पूरा फुल हो जाता है। तो गाइज हम अभी उस मार्ग से चलेंगे हाजी अली की तरफ, और थोड़ी दूर में हम हाजी अली के गेट पर पहुँच जाएंगे। तो आइए दरगाह के गेट पर हम लोग चलते हैं और हाजी अली का खूबसूरती दिखाते हैं नज़दीक। फाइनली हम लोग हाजी अली दरगाह के फ्रंट गेट पे आ गए हैं। अब यहाँ से अंदर जाकर हाजी अली साहब का हम लोग मज़ार देखेंगे। उससे पहले कि आपको हम कुछ बताना चाहते हैं यहाँ का हिस्ट्री जानने के बाद हम लोग आपको अंदर की तरफ ले चलेंगे और दिखाएंगे। तो आइए एक एक चमत्कारी हिस्ट्री हम जानते हैं। गाइज 15वीं सदी की शुरुआत अर्थात 1431 में बनी है ये हाजी अली शाह की दरगाह, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ का जो चमत्कार है वो आपको जानकर आप चौंक जाएंगे। एक बार फिर हाजी अली शाह वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहे थे उज्बेकिस्तान में, तभी एक औरत रोती हुई वहाँ से गुजरी। पीर के पूछने पे वो औरत ने बताया कि मेरा तेल गिर गया है, जिस बर्तन में ला रही थी वो बर्तन गिर जाने की वजह से तेल गिर गया है, अब घर जाएंगे तो मेरा जो शौहर है वो मुझे मारेगा। तभी पीर ने उस औरत को बोला चलो जहाँ पे तेल गिरा है। हाजी अली शाह ने वहाँ जाकर ज़मीन में अपना अंगूठा को गड़ाया तो तेल का फुहारा आने लगा। औरत ने तेल को लिया और घर चली गई। उसके बाद हाजी अली शाह ने डरावना सपना देखना शुरू कर दिया। वो सपने में देखते थे कि उनके अंगूठे गड़ाने की वजह से धरती को चोट पहुँचा है, जिसके वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे और उनकी तबीयत खराब। हाजी अली शाह ने अपनी माँ से इजाज़त लेकर अपने भाई संग व्यापार करने के लिए मुंबई चले आए, और इसी मज़ार जहाँ बना हुआ इससे करीब आकर वो रहने लगे और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करने लगे। जब उनके भाई घर वापस चले गए और ये वापस नहीं गए, फिर अपनी माँ को खत लिखकर अपनी माँ से कहा कि मेरी प्रॉपर्टी जो भी है वो बेच कर गरीबों में बांट दिया जाए। हाजी अली शाह का ये फरमान उनकी माँ के पास पहुँचा और उनकी माँ वही की। फिर मुंबई में वो व्यापार जितना भी करते थे, उस वक्त कहा जाता है कि हाजी अली साहब जो थे बहुत अच्छे व्यापारी थे, तो जितना भी यहाँ धन दौलत था वो हज के यात्रा में चले गए। यहीं वो दुर्घटना हुई जहाँ इनकी इंतकाल हो गई, यानी कि मौत हो गई। वो कैसे गाइज मौत इनका ऐसे हुआ, जैसे ये हज के लिए जा रहे थे तो जिस शिप से जा रहे थे उसी जहाज़ में इनकी मौत हो गई। मौत के बाद हाजी अली शाह का जो लाश था, जो बॉडी था, उसको दफनाया नहीं गया, क्योंकि हाजी अली शाह ने खुद मना किया था अपने समर्थकों से कि हमारी जो बॉडी है उसको दफनाया ना जाए। तो हाजी अली शाह ने जैसा कहा था वैसे उस ताबूत को लोगों ने अरब सागर समुद्र में डाल दिया। हाजी अली शाह का चमत्कार यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अरब सागर समुद्र से वो चलकर वो ताबूत आकर उसी जगह पर रुका जहाँ पे हाजी अली शाह के मानने वाले थे और हाजी अली शाह के बहुत सारे फॉलोअर थे। वो ये वाली जगह है जहाँ हाजी अली शाह का अभी आप मज़ार देख रहे हैं। वहीं पे लोगों ने पाया हाजी अली शाह का ताबूत, जिसमें हाजी अली शाह का बॉडी था। बाद में यहीं पर उनको दफना दिया गया, और कुछ वक्त के बाद जो हाजी अली शाह के बहुत समर्थन थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने यहाँ मज़ार बनवा दिया। तो अब हम गाइस चलेंगे हाजी अली शाह के अंदर में, दिखाएंगे क्या नज़ारा है खूबसूरत। मेन गेट मिलेगा और मेन गेट से इंटर करेंगे आप जैसे।
तो राइट में आपको पानी पीने का मिलेगा। उसके बाद आप लोग को ठीक आपके सामने हाजी अली शाह की कब्रगाह मिलेगी, जहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ी दूर अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको वो पेड़ मिलेगा जो चमत्कारी कह सकते हैं। वहाँ पे आप अपना धागा बांधकर और मन्नतें मांग लेते हैं। बहुत से लोग धागा बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। थोड़ी दूर आगे चलने पे गाइज आपको मस्जिद मिलेगी, जिस मस्जिद में आप अपना नमाज अदा कर सकते हैं। जो मजार है उसके पीछे आ जाएंगे, जहाँ पे वजू खाना है वजू कर सकते हैं। उसके बाद आप पीछे में ये देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग बैठकर मौज और मस्ती और आनंद ले रहे हैं इस ठंडी हवा का और पानी का लहर का। गाइज अब हम आपको बताने जा रहे हैं हाजी अली आने के लिए कौन सा आसान वे होगा। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि गाइज थोड़ा सा मेरा जो एफर्ट लगता है वो आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से देखकर थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाता है और वीडियो बनाने का शौक भी बढ़ता है। तो गाइस चलिए हम बताते हैं। तो मस्जिद बंदर से हमने सफ़र स्टार्ट किया और मस्जिद बंदर से हमने दादर आए। दादर आने के बाद प्लेटफॉर्म चेंज करके हम लोगों ने महालक्ष्मी स्टेशन पे आया। महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो शेयर में आपको आराम से लेकर आते हैं और कम पैसे में। आप ऐसे टैक्सी ना लें जो मीटर पे 10 रुपये लगेगा, और शेयर में आपको बैठाकर हाजी अली के मेन गेट पे छोड़ देंगे, जो महालक्ष्मी और हाजी अली का दोनों एक ही रास्ते पे है। आप अगर महालक्ष्मी जाना चाहते हैं टेंपल तो वहाँ जाएं, अगर आप हाजी अली आना चाहते हैं तो हाजी अली के 500 मीटर दूर पे, जो आप देख रहे होंगे अभी पूरे रास्ते पे अभी भी लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं, तो इसी रास्ते से हम भी आकर 500 मीटर पे आपको मेन गेट मिल। बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम चलते हैं और खुदा हाफिज़। और हवा बहुत बह रहा है इसलिए बाल गाइस एक जगह नहीं रह पा रहा है। ओके बाय, लव यू ऑल, और शेयर करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।